शारदीय नवरात्रि के चलते ग्राम ओन में विभिन्न तरह के आयोजन संपन्न किए जा रहे हैं। पांडालों में गरबा नृत्य प्रस्तुति के साथ सुंदरी यात्राओं के दौर जारी है। निमाड़ में इन दिनों घर घर शक्ति की उपासना का दौर चल रहा है। जगह जगह देवी मंदिरों में माता भक्तों की कतार लगने लगी है। ओन में भी इस पर्व को लेकर लोगों में खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी तारतम्य में यहाँ सोमवार की शाम पाटीदार समाज द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज जनों द्वारा अपनी कुलदेवी माँ अंबिका को 501 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। यात्रा गायत्री मंदिर से प्रारंभ हुई। नवरात्रि पर्व के चलते ओन के गायत्री मंदिर में भी 9 दिवसीय 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उनसे दिनेश दसुंधी की रिपोर्ट। पर्व के चलते किस तरह के आयोजन हो रहे हैं मंदिर में? शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री प्रज्ञापीठ ओन पर पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ, गायत्री महामंत्र अनुष्ठान, ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं ताकि व्यक्ति का नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। कल यहाँ से चुनरी यात्रा भी निकली थी? हाँ, गाँव में यहाँ पे चुनरी यात्रा पाटीदार समाज ने निकाली थी, जो गायत्री प्रज्ञापीठ ओन से अंबिका माता मंदिर उन तक पहुंची। अच्छा, ये आगामी दो दिनों में अष्टमी और नवमी पर किस तरह के कार्यक्रम यहाँ संपन्न होंगे? अष्टमी पर तो यहाँ अष्टमी पर यज्ञ ही होगा और उसके साथ में षोडश संस्कार के क्रम में संस्कार भी किए जाएंगे, जिसमें पुंसवन, नामकरण, विद्यारम्भ, क्योंकि ये संस्कार व्यक्ति को ऊँचा उठाते हैं और मानवीय प्रकृति के उत्कर्ष को देते हैं, और इन्हीं षोडश संस्कार से भारतीय संस्कृति फली फूली और जीवन में विकसित हुई। क्या शुभ नाम लिखता? देवेंद्र पारगिर, गायत्री प्रज्ञापीठ ओन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।